आफ्टरनून गाइस, ये देखो ये नारी जो कि अबला बिल्कुल भी नहीं है मुझ पे इल्जाम लगा रही है कि मैं बहुत रूड हूँ। तो मैं आपके साथ बताना चाहता हूँ कि आज सुबह सुबह हमारी बात हुई थी, ईशू मुझे कहती कि सुमित मैं बहुत थक गई हूँ। मैंने कहा क्यों थक गए हो आप? कहती मैं घूम घूम के बहुत थक गई हूँ, कभी बैंगलोर, कभी नागपुर, ग्वालियर, आगरा, दिल्ली, संगरूर, शिमला में जा जाके थक गई हूँ। तो मैंने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तुम्हें रिफ्रेश कर देता हूँ। उन्होंने पूछा कैसे रिफ्रेश करोगे? मैंने कहा चलो तुम्हें घुमा के लाता हूँ फिर से। इन्होंने पूछा कि अब हम ऑलरेडी पहाड़ों में तो जा चुके हैं, अब कहाँ जाएं? तो मैंने कहा पहाड़ों में चले गए, ऑपोजिट साइड चलते हैं, फ्लैट्स में चलते हैं, रेगिस्तान में चलते हैं। तो हमने डिसाइड किया हम जा रहे हैं राजस्थान के जयपुर। तो 2 बजे हमने शुरू किया है, अभी हम दिल्ली में हैं, जाम में फंसे हुए हैं अच्छी तरीके से। तो इससे ट्रैफिक जाम से जैसे ही पीछा छूटेगा तो इसके बाद बॉर्डर पर थोड़ा हो सकता है किसान आंदोलन से हमारी मुलाकात हो। अभी हम धौला कुआं क्रॉस कर रहे हैं, और नहीं अभी हम धौला कुआं नहीं क्रॉस कर रहे हैं, अभी हम हैं राव तुला राम मार्ग पे। और यहाँ से हम उन लोगों के लिए कि जो लोग दिल्ली से नहीं हैं, जो बाहर से हैं, बाहर शहरों से हैं और जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए अपडेट है कि NH8 दिल्ली और जयपुर को तो कनेक्ट करता ही करता है, बट उसके साथ साथ गुड़गांव को भी दिल्ली से जोड़ता है। दिल्ली से अगर आप एयरपोर्ट भी जा रहे हैं, दिल्ली एयरपोर्ट जा रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको NH8 ही लेना होता है, राइट? तो दिल्ली आओ तो ध्यान रखना NH8 बहुत जरूरी है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि एयरपोर्ट के लिए भी आपको NH8 लेना होता है, तो ये देखिए आप बोर्ड आ गया सामने, गुड़गांव स्ट्रेट द्वारका लेफ्ट एयरपोर्ट T3 स्ट्रेट। ऋषि जी वो जयपुर में आप क्या बता रहे थे, क्या फेमस है जयपुर का? कचौड़ी। नहीं नहीं, उससे पहले भी आप कुछ बता रहे थे, पर से शुरू हो रहा था। अरे वो पंछी पेठा है, वो जयपुर का नहीं है, वो आगरा का फेमस है। पर आपने सबसे पहले क्या बोला था कि जयपुर का तो पेठा फेमस है। मिस्टेक निकल गया, गलती से। अच्छा, अच्छा, क्या आगरा की कचौड़ी फेमस है और जयपुर का पेठा फेमस है? नहीं, आगरा के वो है ना, क्या है, बोलते है उसको बड़ई, नहीं बिड़ई, बड़ई फेमस है आगरा के, बहुत बढ़िया दरवाजे बनाते हैं। बिड़ई की सब्जी क्या था वो कचौड़ी के साथ जो मिलती है, वो नहीं फेमस जयपुर का, सॉरी आगरा का। अच्छा, बिड़ई की सब्जी क्या बोलते हैं। ओके ओके ओके। और जयपुर की कौन सी कचौड़ी फेमस है? थैंक यू फॉर एनलाइटमेंट, मुझे मजा आ गया समझ के कि जयपुर में पेठे बहुत बढ़िया हैं, क्योंकि मैं आज तक इतनी बार जयपुर जा चुका हूँ, मैंने पेठे की एक दुकान नहीं देखी वहाँ पे। दोस्तों अभी हम गुड़गांव से निकल रहे हैं, गुड़गांव क्रॉस कर रहे हैं, आपको स्काई स्क्रेपर्स भी दिखाई दे रहे होंगे राइट लेफ्ट पे। सो ये गुड़गांव है। तो इशू आज के लिए अभी हमने होटल बुक नहीं किया है, तो क्या ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे पास? मैं देख रही हूँ अभी, कुछ ऑप्शंस मैंने शॉर्टलिस्ट किए हैं। okay. जैसे कि वन इज रेडिसन ब्लू जयपुर। अच्छा। सेकंड वन इज ITC राजपुताना। ओके। दिस इज अ लग्जरी कलेक्शन। और एक है ओबेरॉय राजविलास। ओके। एंड वन मोर इज जयपुर मैरियट होटल। ओके, तो ऐसा करते हैं, हमें because as I am जयपुर एक्सपर्ट, तो हमें रुकना चाहिए ITC में। पूछो क्यों? ITC राजपुताना, right? क्योंकि ये है सिटी सेंटर में। ओके। और ये काफी पुरानी प्रॉपर्टी है ITC की। और यहाँ से जो जयपुर के जो मेन अट्रैक्शंस हैं, एक है हवा महल, जौहरी बाजार, और इनफैक्ट हम रेलवे स्टेशन इस बार यूज नहीं करेंगे, तो रेलवे स्टेशन भी यहाँ से बहुत पास है। ओके। और जयपुर में भी MG रोड बहुत फेमस है। मानेसर टोल, अभी हम गुड़गांव से आ रहे थे तो ये मानेसर टोल पड़ा है, इसको क्रॉस करने के बाद हम मानेसर, फिर उसके बाद धाड़ू हेड़ा है, वहां पे एंटर करेंगे। यहाँ पे पहले बहुत ट्रैफिक जाम हुआ करता था, बट थैंक्स टू द ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की ये फास्टैग मैंडेटरी हो गया और अब फटाफट यहाँ पे गाड़ियां निकल रही हैं एक के बाद एक। हमारी राइट साइड पूरी तरीके से ब्लॉक है, हम लोग खुद भी ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं। एंड एज यू कैन इमेजिन द रीज़न इज किसान आंदोलन, वी डोंट नो हुज़ राइट हुज़ रॉन्ग। एंड अलोंग विद दैट लुक एट दिस, इट्स ऑल रेड, इट वाज ऑल रेड, नाउ इट सेज दैट वन मोर मिनट। The situation doesn't seem to be very good. अभी हम बहरोड के पास हैं
ऑन द वे टू जयपुर, बट देर इज़ अ प्लेस विच हैज़ स्टारबक्स, के एफ सी, कोस्टा एंड कपल ऑफ मोर ऑप्शंस. द नेम इज द फास्ट फूड स्ट्रीट, इट्स जयपुर 135 इज द नेम. सो इट कुड बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू टू स्टॉप, एंड द वॉशरूम्स आर एब्सोल्युटली क्लीन एंड नाइस. गुड इवनिंग दोस्तों, ये है हमारा इवनिंग अपडेट जयपुर के लिए. अभी बाकी है 85 किलोमीटर्स, जिसके लिए हमें लगेगा और एक और घंटा और 32 मिनट. अराइवल टाइम है 7:05. सो वी आर जस्ट कैरिंग इट ऑन. हमने बहुत छोटा सा ब्रेक लिया था 10 मिनट का, जो आपको लोकेशन दिखाई भी थी, ब्रेक की लोकेशन बहुत अच्छी लोकेशन थी. स्वीट का नाम है करौली. सो दैट्स हाउ इट लुक्स. रीजन ऑल्सो दैट वाई इट इज करौली इज, जितने भी यहाँ पे स्वीट्स हैं, हर किसी को एक अलग नाम दिया हुआ है, एक अलग थीम दी हुई है इन्होंने रूम में. एंड टू गो इन टू मोर इन टू डिटेल, ये आप देख सकते हैं, ये टेबल के नीचे इन्होंने करौली का मैप लगाया हुआ है, और ये फैब्रिक के ऊपर है मैप. और करौली के जो राजा थे वो राजा विजय पाल थे, और ये करौली आता है भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में, और इसके साथ साथ इसकी बाउंड्रीज टच करती हैं चंबल को. ये भरतपुर है, और ये भरतपुर का किला कुछ कुछ इस तरीके से दिखता है. एंड देयर इज अ टीवी. This is the master bed. Nice interior, good height. एक और टीवी. This is the bathroom. There is a cubicle. And there is a tub. And there is an open window. Is it working? I don't know. I need to check. Yes, it is. Oh. गुड मॉर्निंग दोस्तों. तो हम अभी जयपुर शहर में, और ये बहुत सुंदर शहर है. एंड माई पर्सनल चॉइस, आई लव दिस सिटी. और यहाँ पे घूमने के लिए बहुत सारी जगह हैं. एक है आमेर फोर्ट, बिरला मंदिर, चोखीदानी,
और जल महल, हवा महल और जौहरी बाजार, ये टॉप सिलेक्शंस हैं जो आप जयपुर में आ रहे हैं तो आप बिल्कुल मिस ना करें इन सारी चीज़ों को। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इस बार इतना टाइम नहीं है कि इन सारी चीज़ों को हम लोग देख सकें, जाके एक्सप्लोर कर सकें, तो वी विल नॉट बी एबल टू कवर इट फॉर यू दिस टाइम, बट वी हाईली रिकमेंड यू कम टू दिस ब्यूटिफुल सिटी एंड एक्सप्लोर ऑल दीज प्लेसेस। आप ये सामने देख सकते हैं टोम्ब लाइक स्ट्रक्चर, ये है जयपुर सिटी पैलेस। ये एक म्यूजियम है और काफी अच्छा है देखने के लिए। आपको एटलीस्ट बिरला मंदिर बाहर से दिखा रहे हैं, ये बहुत ही खूबसूरत मंदिर है और अगर आप जयपुर आ रहे हैं तो डेफिनेटली ये रिकमेंडेड है कि आप यहाँ पे आए और इसको विजिट करें। इट्स मेड आउट ऑफ एब्सोल्युटली वाइट मार्बल और बहुत ही सुंदर स्ट्रक्चर है इस मंदिर का। सो आई एम राइट नाउ आई एम इन जौहरी बाजार। दिस इज अ वेरी फेमस एंड वेरी ओल्ड मार्केट ऑफ जयपुर। एज यू कैन सी देर आर लॉट्स ऑफ शॉप्स ऑफ फुटवेयर, जुत्तीज, ज्वेलरीज, सूट्स एंड दुपट्टास। एंड दिस इज वेरी नियर टू हवा महल। हमने जयपुर से दिल्ली के लिए शुरू कर दिया। अब दिल्ली यहाँ से है 255 किलोमीटर, जिस दूरी को तय करने के लिए हमें लगेंगे 4 घंटे और 50 मिनट। हाय दोस्तों, तो मेरा एक आपसे सवाल है कि जो ट्रक हमारे सामने है, ये ट्रक आ रहा है कि ये ट्रक जा रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा। जब चलेगा तो देखेंगे कि हमारी तरफ आएगा या उस तरफ जाएगा। इसमें कोई ड्राइवर तो है नहीं, अगर हमारी तरफ आ गया तो प्रॉब्लम है। क्या करना है तो, अरे ये ट्रक तो जा रहा है, तो ये जा रहा है पर ये हमारी तरफ क्यों देख रहा है, ये सीधा क्यों नहीं जा रहा, ये तो उल्टा जा रहा है। अरे ये तो बहुत तेज जा रहा है। 10:09 हम लोग जयपुर से वापस आ चुके हैं, तो भूख लग रही थी बहुत ज्यादा, तो मुझे तो खाने को कुछ मिला नहीं, बट हाँ ये इशू, ये जिंगर खा खा के इन्होंने ना कमाल कर दिया है। केवल अपना पेट भरा है, मेरे पापी पेट के लिए कुछ भी नहीं है। हम जयपुर में बहुत ज्यादा आपके लिए कवर नहीं कर पाए, बस इंट्रोडक्शन दे पाए क्या क्या है वहाँ पे, बिकॉज हम लोग बहुत बिजी थे और वापस भी आना था, बिकॉज हमें अपनी डॉटर को भी पिकअप करना है अभी उसकी नानी के घर से, बिकॉज हम उसको लेके नहीं गए थे साथ में। और हमने मोस्टली प्रॉपर्टी ही कवर की है इस व्लॉग में, बट वी प्रॉमिस नेक्स्ट टाइम वी विल डेफिनेटली ब्रिंग यू more and more interesting videos and lot of content. See you guys with our next vlog. Let's see where the next destination will be, even we are not sure right now, so. And check out our other videos also, yeah. Bangalore to Delhi, yeah. Delhi to Sangrur, Sangrur to Shimla Mashobra, and Delhi to Jaipur. Sab check kar lo, sare dekh dalo aur subscribe kar do, and subscribe to our channel Sumit and Ishu.